राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए कलरफुल ड्रेस बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने ये ऊन ली है, ये लच्छी वाली ऊन है और 9 नंबर, देखिए 9 नंबर सिलाई ली है। अब हम क्रीम कलर की ऊन से फंदे डालेंगे, तो फंदे हमें सादा ही डालने हैं। सिलाई को इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, इसमें हम आपको 25 फंदे डाल के दिखाते हैं। इसमें हमने 25 फंदे डाल लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये धागा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा कट कर देंगे और इस तरह से इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है और ऐसे बुनते हुए इसको हम लंबा करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसे बहुत आराम से बना सकते हैं। इसमें हमने कोई भी बुनाई नहीं डाली है, सिर्फ सीधी पट्टी बनाई है। तो चलिए, इसे हम बना के दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सिलाई बुनी है। इसे हमने इतना बना लिया है, इसमें देखिए 270 सिलाई बुनी है उल्टे और सीधे तरफ से मिलाकर। अब हम इसके फंदे घटाएंगे, तो ऐसे दो दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से, और जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह। हम ये सारे फंदे घटा देंगे। चलिए, हम इसके फंदे घटा के दिखाते हैं, फिर नॉट लगाना बताएंगे। देखिए, इसके फंदे हमने घटा दिए हैं। अब इसमें हम नॉट लगाएंगे, धागा कट करेंगे और इसके अंदर से इसे निकालेंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी तैयार हो गई है। घेर के लिए हमने पट्टी बना ली है। अब हम चोली के लिए पट्टी बनाएंगे, तो इसमें हमने 30 फंदे डाले हैं येलो कलर की ऊन से। अब इसे हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसमें हमें दो दो सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनना है। दो येल्लो से बुनेंगे, दो ब्लू से, दो रेड से, दो क्रीम से, और फिर दो येल्लो कलर से बुनेंगे। तो चलिए, ये भी हम आपको बना के दिखाते हैं। ये इसकी पहली सिलाई है और दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह उल्टी बुनेंगे, फिर तीसरी सिलाई में ऊन चेंज करेंगे। दो दो सिलाई हमें एक कलर से बुननी है। देखिए, इस तरह से हमने ये दो पट्टी बना ली हैं। इसमें हमने 12 सिलाई बुनी है। ये जो एक लाइन आई है, ये दो सिलाई में बनती है। इसमें हमने 12 सिलाई बुनी है, 6 उल्टी तरफ से, 6 सीधे तरफ से, और दोनों तरफ से इसे हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुना है। ऐसी हमने दो पट्टी बना ली हैं। अब हम इसमें ऐसे ढेर सारे पॉम पॉम बनाएंगे। चलिए, तो हम आपको बनाना बताते हैं। उसके लिए हमने एक ये कांटा लिया है और एक ये धागा काटेंगे इसे बांधने के लिए। इसको इसके सेंटर पर इस तरह से रखेंगे। और इसको ऐसे लपेटेंगे। हमें बराबर धागे रखने हैं, तो हम 35 बार लपेटेंगे। आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें तो उस हिसाब से इसे ऐसे लपेट सकते हैं। धागा कट करेंगे। और इसमें हम ऐसे नॉट लगाएंगे, इसको धीरे से खिसकाएंगे। अब इसको हम टाइट करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसकी हम किनारी कट कर देंगे।
ऐसे कट करके ऐसे हम सेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा पॉम पॉम बन गया है। ऐसे ही हमने ये इतने पॉम पॉम बना लिए हैं। अब इसे हम इस पट्टी में लगाएंगे। इसको ऐसे रखेंगे। सबसे पहले हम ये येलो वाला लगाएंगे। इस तरह से ऐसे निकालेंगे। फिर दूसरे तरफ से भी हम ऐसे निकालेंगे और अब हम नॉट लगा देंगे नीचे तरफ ऐसे। जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको कट कर देंगे। इसी तरह हम ये लगाते जाएंगे। तो चलिए लगा के दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसमें ये एक साइड से पॉम पॉम लगा लिए हैं। अब हम इसमें डोरी डालेंगे। तो इसको हम इस तरह से करते जाएंगे, ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे इस तरह से। और डोरी की जगह हम ये धागा यूज करेंगे। इसमें एक साइड हमने ये मोती डाल लिया है जिससे कि ये निकले नहीं, और इसे हम ऐसे निकालेंगे इस तरह से। इस तरह से ये देखिए हमारा कितना सुंदर सा घेर बन गया है। और इसके दूसरे साइड भी हम इसमें मोती डाल देंगे जिससे कि ये धागा निकलेगा नहीं, ऐसे करके। अब हम नॉट लगा देंगे नीचे साइड से, कट कर देंगे। देखिए हमारा कितना सुंदर घेर बना है। और इसे बनाना भी बहुत इजी है। अब हम आपको चोली सिलना बताएंगे। चोली के लिए हमने ये दो पट्टी बनाई थी। इसे हम इस तरह से उल्टा रखेंगे इसे, और इसे आधा नहीं सिलेंगे, आधे से थोड़ा नीचे तक सिलेंगे। इधर से इधर तक हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो हम येलो कलर की ऊन से ही सिलाई लगाएंगे जिससे कि दिखे नहीं। इसमें देखिए हमने ये सिलाई लगा दी है। देखो आधे से थोड़े नीचे तक लगी है। अब इसको ऐसे रखेंगे और इधर सिलाई लगाएंगे इतनी। ये बाजू के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही हम इधर सिलाई लगाएंगे। इसके दोनों तरफ देखो हमने सिलाई लगा ली है। ये हमारी बाजू बन गई है। इसको ऐसे हम सीधा करेंगे। देखिए ये हमारी चोली बन गई है और ये हमारा घेर। अभी हम आपको पहना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम घेर पहनाएंगे इस तरह से। घेर को हम एडजस्ट कर देंगे और पीछे हम डोरी बांध देंगे इस तरह से। ये हम अंदर कर देंगे। अब हम चोली पहनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।
देखिए हमारे लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके मैचिंग की कैप आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए राधे राधे।